लहसुन की चटनी बनाने का ऐसा शानदार तरीका जिसे आज तक आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। इस चटनी के साथ आप दो की जगह चार रोटी खा जाएंगे, इतनी स्वादिष्ट है यह चटनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विलेज टेस्टी भोजन में। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे लहसुन की चटनी। तो लहसुन की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हम 100 ग्राम लहसुन लिए हैं और साथ ही 25 ग्राम सूखी हुई लाल मिर्च भी लिए हैं। ये कम तीखा वाला मिर्च है, फिर भी इसके बीज को हम बाहर निकाल लिए हैं। चार पांच मिर्च में बीज रहने दिए हैं ताकि चटनी हल्का तीखा बने। वैसे आप चाहें तो सारे मिर्च का बीज निकाल सकते हैं। अब इधर चूल्हे पर एक कढ़ाई चढ़ाए हैं, इसमें लहसुन को हल्का भून लेंगे यानी रोस्ट कर लेंगे। इसे तेज आंच पे भूनेंगे, वैसे यह 2-3 मिनट में भून जाता है। इसे भूनने से क्या होता है कि लहसुन की चटनी का स्वाद बढ़ जाता है और लहसुन के छिलके भी बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये देखिए, लहसुन हल्का रोस्ट हो गया है। अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब इस सूखे हुए मिर्च को भी हल्का रोस्ट कर लेंगे। इसके साथ ही एक चम्मच जीरा डालेंगे, एक चम्मच धनिया का दाना। तो इन सभी को भी 2-3 मिनट तक तेज आंच पर रोस्ट करेंगे। तो ये भी रोस्ट हो गए हैं, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब इस लहसुन के छिलके को छिलकर हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। तो ये देखिए, सारे लहसुन का छिलका उतार लिए हैं। तो अब इन सभी को साथ में सिलबट्टे पर पीस लेंगे। हल्का पानी ले लेकर पीसेंगे, तभी इसका अच्छा पेस्ट तैयार होगा। वैसे आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो इन सभी को अच्छे से पीस लिए हैं। अब इसे एक कटोरी में रख लेंगे। फिर से चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ाए हैं। अब इसमें 7-8 बड़ा चम्मच सरसों तेल डालेंगे। तेल गरम होते ही इसमें तड़का के लिए जीरा और राई डाल रहे हैं। जीरा को ज्यादा काला नहीं करना है। तो अब इसमें अभी जो लहसुन मिर्च का पेस्ट तैयार किए थे इसे डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, आंच बिल्कुल धीमी रखना है। तो यह अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। यहीं पर 2 नींबू का रस डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिलाते हुए धीमी आंच पर ही 2-3 मिनट तक और भूनेंगे। तो इसे 3 मिनट तक भून लिए हैं और आप देख सकते हैं चटनी तेल छोड़ने लगा है। तो अब गैस बंद करके कढ़ाई को चूल्हे पर से नीचे उतार लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा हमारी लहसुन की चटनी बनकर तैयार है। इस चटनी के साथ आप बिना किसी सब्जी के भी रोटी पराठे खा सकते हैं। बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट लगती है यह लहसुन की चटनी। तो आप इस चटनी को घर पर जरूर बनाइएगा। तो कैसी लगी हमारी यह रेसिपी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।